हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। इन विच कंट्री हैज़ द एंटायर कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन? एंटायर कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर लिया है फिलिस्तीन से। आंसर इज बी, फिलिस्तीन। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024? तो इंडिया ने विन किए हैं 3। और ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ कहाँ था? थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में कहाँ? पटाया में। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इनॉग्रेटेड? वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक इनॉग्रेट हुई उज्जैन में। पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। 85 फीट ऊंचे टावर पे इसको लगाया गया है। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट रिसेंटली? इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट लगाया गया है तमिलनाडु में। Who has become the first woman chief minister of Pakistan? तो बनी है ये मरियम नवाज। ये जो पंजाब प्रांत है वहाँ की बनी है CM, और ये नवाज शरीफ की बेटी हैं। Recently the CEO of Hockey India has resigned. What is his name? तो CEO of Hockey India ये थी एलेना नॉर्मन, और इन्होंने गुटबाजी का आरोप लगाकर अपने पद से रिजाइन कर दिया। जैन निकोले लॉफ्टी ईटन इज द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हु हैज स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल मैच? तो ये बिलोंग करते हैं नामीबिया से। इन्होंने 33 बॉल पर 100 पूरा कर लिया था। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क इनॉग्रेटेड? वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क इनॉग्रेट हुई है अल्जीरिया में, और इसको कहा जाता है ग्रैंड मस्जिद या जामा अल जाजैर, ये इसका नाम है। इंडियाज ओल्डेस्ट एमपी एंड समाजवादी पार्टी लीडर हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? ओल्डेस्ट एमपी थे और समाजवादी पार्टी के लीडर थे, इनका नाम है सफीकुरी रहमान बर्क। आंसर इज डी। हु हैज बीन अवार्डेड द जीडी बिरला अवार्ड 2023? जीडी बिरला अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था डॉक्टर अदिति सेन डे को। Names of four astronaut were announced for the Gaganyaan mission. Who is not in one of them? Four astronaut को बोला गया है कि वो जाएंगे गगनयान मिशन में, और ये सारे के सारे एयर फोर्स से हैं, फोर चारों के चारों, और इनमें से अरविंद प्रकाश हैं जो इनमें उन चार में से नहीं हैं, बाकी ये अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, सुभांशु शुक्ला, ये उनमें शामिल हैं। Recently, which state will introduce a bill to compensate for the damage caused by the rioters? तो दंगाइयों से जो नुकसान होता है उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको कंपनसेट करने के लिए। तो ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। Where was the foundation stone of Sikkim's first railway station laid? Foundation stone रखा गया रंगपो स्टेशन पे, रंगपो रेलवे स्टेशन। Who has recently been appointed as the new Lokpal of the country? New Lokpal appoint हुए हैं अजय मानिक राव खानविलकर। Recently the chief minister of which state has inaugurated the second state level urban prosperity उत्सव? तो किस प्रदेश के chief minister हैं जिन्होंने inaugurate किया second state level urban prosperity उत्सव? ये हैं त्रिपुरा के chief minister। Where will the new regional office of the Central Board of Film Certification be established recently? तो Central Board of Film Certification का new office, regional office establish हो रहा है चंडीगढ़ में। Answer is C.
Where was South Asia's largest plant inaugurated? South Asia का largest plant inaugurate कहाँ पे हुआ? तो ये inaugurate हुआ कानपुर में 26 February को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको inaugurate किया गया. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये. सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया हरियाणा राज्य में. और ये महिला में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच के लिए इसको शुरू किया गया है. Where did SECI unveil India's largest solar battery project? इंडिया का लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट SECI के द्वारा अनवेल किया गया छत्तीसगढ़ में. आंसर इज डी. और इसकी कैपेसिटी होगी 40 MW. और इसको इनॉग्रेट कब किया गया? 24 February को 2024 को. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया. What is the age for the admission in class first by the Ministry of Education from the session 2024-25? Ministry of Education ने डिसाइड किया है कि सेशन 24-25 के बाद से क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेने की एज होगी मोर देन 6 years. आंसर इज बी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.